माइक भी चालू कर दे। यस रिकॉर्डिंग ओके। बच्चों गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गया सालो, जाग जाओ। गुड आफ्टरनून। हाजी साहब, आप में से शायद मुझे कोई जानते हैं और शायद नहीं भी जानते। जो नहीं जानते और जानते दोनों को एक बार बता दूं, आप मुझे जानते पहचानते नहीं। माय नेम इज सी एंड सी एस विजय सालडा। मैंने सीए किया है, मैंने यू नो सी एस भी किया है, मैंने ट्वेल्थ पढ़ा है, ट्वेल्थ पास भी किया है, टेंथ भी पास किया है मैंने। यस, सो व्हाट आई टीच, आई टीच एट फाउंडेशन लेवल आई टीच इकोनॉमिक्स एंड एट इंटर लेवल आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एंड वर्चुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एट फाइनल लेवल्स आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस। मतलब टेक्निकली आप जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे साथ कहां तक के चलने वाले हैं? फाइनल्स तक के चलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक वादा दे दूं, और ये शायद आप कभी अपने सीनियर से भी सुन ले तो राइट, आपका सबसे फेवरेट लेक्चर ये रहेगा। इस बात का गारंटी मेरा। रही बात लेवल ऑफ जोक्स की, तो द ग्रेट जीबी सर से थोड़ा सा नीचे राइट, थोड़ा सा नीचे। बट हाँ, आपको मजा बहुत आएगा, कंटेंट बहुत सारा सीखने को मिलेगा। नॉट जस्ट द सब्जेक्ट, हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखेंगे, सब्जेक्ट्स के अलावा भी कई मालिक ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी। तो मैं हमेशा से कहता हूं, कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है ना, ये नवाब होता है। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे? अच्छा देखो, पहली बात ना, ये ऐसा डर शर्म और ये जो हया वया है ये थोड़ा सा बाजू रख दो, एटलीस्ट इस लेक्चर के लिए, ठीक है? थोड़े से रिलैक्स रह जाओ, शांति से। हम यहां पर पढ़ने आए, सीखने आए हैं, तो आप स्कूल में नहीं हो अब, ठीक है? तो मैं हमेशा से कहता हूं, भैया कॉमर्स का स्टूडेंट नवाब होता है। पूछो कैसे? देखो, जेब में एक रुपये नहीं होता, पर लाइफ की पहली एंट्री क्या पास करी उसने? कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज। अरे लाया कहां से? पर हम सब ने लाइफ की पहली एंट्री यही पास करेगी नहीं? तो भाई साहब, हमें कॉमर्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के हमें नवाब। रही बात सीए कोर्स की, पहली बार सीए फाउंडेशन के लिए आ रहे हो, मैं आपको सबसे पहले कोर्स के बारे में बता दूं, क्या क्या सोच के आए हो? ये कोर्स क्या है, क्या क्या देगा तुम्हें? पैसा, पैसा चाहिए सर, बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा देगा, और क्या देगा ये कोर्स? इज्जत। इज्जत तो तुम्हें घर पर भी मिलती नहीं, यहां क्या ढूंढने आया हूं? अरे चलो, इज्जत मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगा? शोहरत। हाँ सर, बहुत बहुत, मतलब शोहरत मिलेगी सर, हम बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द पावर्स ऑफ सीए? एक सीए करता क्या है? मतलब ठीक है, आज हम पहले दिन आए हैं, पहले दिन मिल रहे, करता क्या है, दिन भर क्या करता होगा ये? सर सिग्नेचर करता होगा, मतलब पेन लेता होगा, चेक पे साइन, अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 रख, ऐसा कुछ करता होगा? नहीं, अंडरस्टैंड, वी हैड अ वर्क लॉट टू डू। हम इस कोर्स के अंदर में, इस डिग्री के अंदर में, जहां पे हमारे पास पावर बहुत सारे हैं, लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ देम। पॉइंट नंबर 1, हम क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट, मतलब जो सबसे ज्यादा सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो है ऑडिटिंग सर्विसेज। अब आप ये पूछेंगे, सर ऑडिट क्या होता है? हम तो कौले कौले बच्चे, पहली बार आए, ऑडिट क्या होता है? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम सबको मेंटेन करने होते हैं, से यस। बुक्स ऑफ अकाउंट हमें मेंटेन करने, बोलो हाँ या हाँ, बराबर है। पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या लॉ के हिसाब से मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हम सर्टिफाई करते हैं। एंड हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस, इसको ऑडिटिंग, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो जितने भी लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, जो हम 11th से बनाना सीखते हैं, जितने भी लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, ये सही तरीके से बनी है या नहीं, इनमें कंटेंट सही है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं, ये हम बताते हैं। तो ये है वन ऑफ द स्कोप। अनदर स्कोप दूसरा है, सर टैक्स चोरी, प्लानिंग, इट्स अ सोफेस्टिकेटेड वर्ड राइट। हम लोग चोरी नहीं, अच्छी चीज, प्लानिंग, हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग। लोगों को सही समय पे टैक्स दे, पूरा टैक्स दे, सही पूरी बुक्स ऑफ प्रोविजंस दिखाएं, इसकी जिम्मेदारी हमारी।
आप समझ गए मेरी बातों को। इन शॉर्ट हमें कुछ इस तरह से वर्क करना पड़ता है कि ये क्लाइंट के फेवर में भी चल जाए और डिपार्टमेंट के फेवर में भी चले जाए। सो इन शॉर्ट हमें कुछ प्लान करना है। देखिए लोगों का टैक्स कम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पर हाँ इस लोगों के टैक्स को लीगली कम करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर गलत काम भी करना है तो सही तरीके से किया जाए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। ये दूसरी जिम्मेदारी हो गई हमारी कि भैया टैक्स प्लानिंग। तीसरी जिम्मेदारी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी ये है एडवाइजरी सर्विसेस। कौन सी सर्विसेस? एडवाइजरी। पूछो कैसे? अब जरा समझिए, जरा समझिए। ये बच्ची क्या नाम है बेटा? जरा रूपाली, ठीक है। अच्छा पहली बात मालिक, यहां पे ना किसी पे भी जो कह सकता डरना मत, ठीक है। और मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगा क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं मैं टेक्निकली थोड़ा सा पागल होता हूं, तो यहां कुछ भी हो सकता है स्टेज पे। तो सर डरना मत, मास्टर के अंग में क्या आया, ठीक है, वह कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन रूपाली, रूपाली आपको तो पता है प्रॉपर्टी ओनर गुंठा मंत्री, बराबर है। तो रूपाली के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, रूपाली ने एक प्रॉपर्टी बेची, बराबर है। तो जो सेलर था, सेलर आया, सेलर आके बोलता है मैडम ये जो प्रॉपर्टी आप 50 लाख में दे दीजिए अपने। रूपाली कैसे करो भाया, ये प्रॉपर्टी 60 लाख की है ना भाया। मैडम प्लीज 50 लाख में दे दो ना प्लीज, आप 50 लाख में सेल करो ना मैम प्लीज। नहीं ना भाया, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो आपकी डेली कस्टमर हूं ना भाया, आपको आपको 60 लाख नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता। अब ये 60 लाख इसने कलेक्ट तो कर लिया, अंडरस्टैंड, ये 60 लाख के लिए उसने बोला चलो मैडम आपका नहीं मेरा नहीं 55 में डन करो। रूपाली वाज अग्रीड टू इट। अब सोचिए यहां पे क्या क्या इश्यूज है। इस 55 लाख को अगर रूपाली को कलेक्ट करना है, इस 55 लाख को अगर रूपाली को कलेक्ट करना है, सो देयर आर टू मोड्स। पूछो कौन से? या तो कैश या तो बैंक, यस और नो। अब इनमें से तीसरा मोड भी तो आता है जो रियल लाइफ में वर्क करता है, सम ऑफ कैश एंड सम ऑफ बैंक। जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्या सच में पूरा बैंक में पेमेंट होता होगा? नहीं, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए कैश में भी पेमेंट होता है। अब कितना कैश में लेना, कितना बैंक में लेना, ताकि रूपाली का जो सेल के ऊपर टैक्स आए ये रिड्यूस हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। एंड दैट वी कॉल इट एज एन एडवाइजरी सर्विसेस। कौन सी सर्विसेज? एडवाइजरी। अब हम यहां पे रूपाली को बताएंगे कि रूपाली तूने अगर 55 लाख में प्रॉपर्टी बेची है, लॉजिकली ये जो तेरे को पेमेंट आ रहा है, इस पेमेंट का तेरे को करना क्या है, इस पेमेंट को तेरे को कहां डिपॉजिट करना है, कौन से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी रूपाली ने बेची वो रूपाली के नाम पे थी, लेकिन इसने अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, अपने कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। बताइए ये सही करेगी या गलत कर देगी? बताओ जल्दी से, ये सही करेगी या गलत करेगी? 100% गलत करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? रूपाली। किसके बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था? रूपाली। पैसा गया किसके अकाउंट में? कंपनी। यानी यहां ये गड़बड़ हो सकती है। मान लो रूपाली को पैसा ट्रांसफर भी करना है, लॉजिकली क्या होना चाहिए था? पहले रूपाली के अकाउंट में आना चाहिए था, रूपाली ने वहां पे ट्रांसफर करना चाहिए था, तभी तो ये दिखता सेल कंसिडरेशन। क्योंकि कंसिडरेशन के पेपर्स पे नाम किसके होंगे? रूपाली के, लेकिन पैसा किस अकाउंट में जा रहा है? कंपनी। एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा? तो तीसरी चीज जो हमारे स्कोप में आ जाती है मालिक, वो आती है एडवाइजरी सर्विसेज। चौथा हम क्या कर सकते हैं? हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मतलब क्या? किसी कंपनी के अंदर में जॉब न करते हुए हम हमारा एक ऑफिस डाल दें और वहां पे मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करें। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? इसके अलावा हो सकता है एक्टिंग। सर एक्टिंग मतलब? कैन वी डू दिस? बिल्कुल कर सकते हो। ये सुनो, हम सभी लोगों ने तारक मेहता बचपन से देखा है। ये सुनो, बबीता जी नहीं बोल रहा हूं, तारक मेहता हूं। हम सभी लोगों ने देखा है, उसमें पोपटलाल कैरेक्टर देखा है आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? वाह भाई साहब, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देख भाई, तू उस हर जगह पे वर्क कर सकता है जहां पैसा है। तू उस हर जगह पे वर्क कर सकता है जहां पे पैसा है, राइट? सो क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों ने आदित्य कुमार बिरला साहब सुना होगा, यस, लेट एक स्टॉक ट्रेडर बहुत बड़े इंडिया के, राकेश जुनूनवाला सर वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या कर सकते हो सर? लॉजिकली करने के लिए बहुत कुछ है, करना क्या है ये आपकी इच्छा। सो क्या सर खुद का स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सर टीचिंग में बहुत स्कोप दिख रहा है सर मेरे को, तो
मतलब मैंने तो सर कई बार कैलकुलेट किया है, मेरी फीस इतनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो टीचर का इनकम कितना। सर इसमें स्कोप है? भाई बहुत स्कोप है, इसमें भी बहुत स्कोप है। सो लॉजिकली स्पीकिंग, डोंट थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट डू असाइनिंग एक्टिविटी, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट, और ये इस कोर्स को मोर पावरफुल बनाता है। यस, आप कुछ भी कर सकते हो, एक ही टाइम में कुछ भी कर सकते हो। क्या मल्टीपल काम एक साथ किए जा सकते हैं? आंसर इज यस, वो भी किए जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसको, इस कोर्स को इतनी वैल्यू है। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमने हमने फाउंडेशन लिया, सीएससीए में भी कर सकते हैं क्या? क्या साथ में ये दोनों कोर्स हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैज दिस कि वो एक साथ दो कोर्स करते हैं, राइट? सम स्टूडेंट मे थिंक लाइक ऐसा पॉसिबल है, दो दो जमते एक साथ? जमने का नहीं, बेनिफिट क्यों हो सकता है? क्योंकि मई में सीए का एग्जाम हो सकता है, जिन जून में अदर कोर्सेज के एग्जाम होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट आगे चल के ये भी ऑप्ट करते हैं कि हम मल्टीपल डिग्री लें। यस, जैसे मैंने ली थी सीए के साथ साथ सीएस। ओके सर, सर मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा सर पैसे, स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है सर सीएस का? आज इतनी मेहनत करने जा रहे हैं सर, तो पता तो चलना चाहिए ना आने कितना वाला है, कितने में कितना, पता तो चलना चाहिए सर कितना पैसा मिलेगा। सर अंडरस्टैंड, मैं एक बात बताऊं, लॉजिकली अगर आप जॉब पे जाते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज 5 से 7 के बीच में चालू होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, और आप अपने स्किल के हिसाब से इसको अनलिमिटेड तक के लेके जा सकते हो। यस, बट मिनिमम मतलब कुछ भी हो जाए तो मिनिमम 5 से 7 तो कभी भी आपका स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम से मिनिमम में रहेगा, कुछ भी कर लो तो भी। यस, बाकी फिर आपके स्किल के ऊपर आप कहां तक के इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। Yes or no? Levels आप सभी को पता है, लेवल्स पे डिस्कस कर ले। बताओ मालिक कितने लेवल है? पहले क्या आएगा? फाउंडेशन। फाउंडेशन में निगेटिव मार्किंग है क्या? है या नहीं है? है निगेटिव मार्किंग। अब ये निगेटिव मार्किंग वर्क कैसे करता है? एनीवन? 0.25, मतलब टेक्निकली एक गलत होने पे 0.25 कटता है या 1.25 कटता है? सोच के देखिए, 1.25। पूछो कैसे? अरे मालिक जो गलत कर दिया उसका मार्क तो गया, जो सही किया उसका 0.25 लेके चल जाएगा, यानी एक गलत आंसर आपका 0.25 नहीं 1.25 लेके जाता है, 0.25 नहीं मालिक 1.25 लेके चल जाता है आपका। अच्छा सर, सर इसके बाद क्या लेवल आएगी? इसके बाद आएगा आपका इंटर। बिलीव मी, फाउंडेशन से एक लेवल अप आपका इंटर है। इंटर में आपके वैसे बात चल रही है कि शायद आप जब तक के इंटर में पहुंचे तब तक के न्यू सिलेबस लॉन्च हो जाए, पर हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, तो बात करके मतलब नहीं। यस, तो फाउंडेशन के बाद आपका आएगा इंटर। इंटर में दो ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनते हैं? दो। एक ग्रुप के अंदर में 4 सब्जेक्ट है, मतलब इंटर में 8 सब्जेक्ट है इन टोटल। वैसे वो कहने के लिए 8 है, जबकि इन टोटल वो 12 बन जाते हैं। वो कहने के लिए 8 है। जैसे आपको अगर बोला जाए EIS SM, तो EIS एक पूरा अलग टॉपिक है, SM एक पूरा अलग टॉपिक है, DT IDT, तो DT डिफरेंट है, IDT डिफरेंट है, तो ये 8 के जगह 12 बन जाते हैं। फिर जब आप इंटर क्रॉस करेंगे तो आपको ITT OP आएगा। अब आप ये पूछेंगे सर ITT OP क्या है? पूछो ना, अरे पूछो ना, ITT OP क्या है? देखिए जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, कहां जाओगे बोलो जल्दी से? आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको कुछ स्किल सेट पता होने चाहिए, लोगों से बात कैसे करना है, डील कैसे करना है, हाउ यू शुड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो चीज होती है ये आपको ITT OP के अंदर में कवर की जाती है कि भैया आपको डील कैसे करना है, आपको PPTs Excels किस तरीके से वर्क करनी है, क्लाइंट के सामने जब आप प्रेजेंट होंगे तो कैसे वर्क करना है, तो ये सारी चीजें ITT OP के अंदर में आती है। ये करने के बाद आप जाओगे कहां बेटा? फाइनल्स। कहां जाओगे बोलो? फाइनल्स। और फाइनल में आपको अगेन कितने टॉपिक मिलते हैं? कितने ग्रुप मिलते हैं? 2। पहले ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 4। और ये सारी चीज क्लियर करने के बाद आप अपना नाम बदल दोगे जो आपके पेरेंट्स ने रखा है, क्योंकि इंडिया में ओनली फ्यू ऐसी डिग्री है, इंडिया में ओनली फ्यू ऐसी डिग्री है जो नाम के आगे लगती है, नाम के पीछे नहीं। जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये नाम के आगे लगते हैं, जबकि IAS को देखा जाए तो वो नाम के पीछे लगता है। यस और नो? तब जाके आप अपना नाम बदल दोगे। पहले ही बता दूं, आपने क्या सुना है सीए में कितने घंटे पढ़ना पड़ता?
आपको क्या लगता है सीएमए कितने घंटे पढ़ना पड़ता? सर हमने सोचा सुना है सर 15-16 घंटे 17 घंटे, हमारे सीनियर ने तो ये भी बोला 22 घंटे। देखिए आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर हाँ ये जो प्रोसेस है ये एटलीस्ट आपके 10 से 15 घंटे तो कंफर्म लेती है मिनिमम में। पूछो कैसे? मालिक 8 से 10 घंटे की तो क्लासेस होती है, एवरी सब्जेक्ट 2-2 आवर्स के क्लासेस, 4 सब्जेक्ट भी अगर पकड़ ले 2 आवर्स के हिसाब से तो 8 से 10 घंटे तो वहीं खत्म हो गए। उसके बाद जाकर के आप अपना सेल्फ स्टडी करोगे, होमवर्क करोगे, सो इट टेक्स टाइम। यस, पर हाँ ये जो लेवल्स है ये लेवल अप्स में है, फाउंडेशन लेवल पे इतना नहीं है। फाउंडेशन लेवल पे तुमको भरपूर मजा आएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, कॉमर्स के अंदर तुमने जितनी चीजें पढ़ी है इसका स्कोप और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ बहुत सारे अलग अलग कंटेंट इस लेवल पे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, लेटर राइटिंग एंड फॉर्मेट राइटिंग्स किस तरीके से होते हैं, राइट। शेयर ट्रेडिंग को पहली बार समझोगे शायद यहां पे, अगर हो एकत्र में अगर हो तो आप शेयर ट्रेडिंग को पहली बार समझोगे कि हाउ शेयर ट्रेडिंग वर्क्स। देन बहुत सारी चीजें है, हाउ कैश हैज टू बी मैनेज, हाउ कैश हैज टू बी हैंडल्ड, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस गोज टू नेक्स्ट लेवल। समझ में आ रही बात? ये बहुत नेक्स्ट लेवल तक के चलता रहता है। सो चलिए आज सुबह से कौन कौन से लेक्चर हो गए? पहला अकाउंट्स, फिर और आखिरी में हम मिले। चलो बहुत बढ़िया, सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको आज सबसे पहले बताने जा रहा हूं स्कोप क्या है। आज हम बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करने वाले, आज सिर्फ आपको बताने वाला हूं आपका चैप्टर का स्कोप कितना है, क्या है। मैं आपको सभी को बता दूं, इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक रजिस्टर लगेगा, दैट रजिस्टर विल बी ऑफ 100 पेजेस। हमारा पैटर्न किस तरीके से होगा वो बता दूं। सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इकोनॉमिक्स एज वेल एज बीसीके। द इकोनॉमिक्स पोर्शन विल बी टेकन बाय मी, वेयर एज द बीसीके पोर्शन विल बी टेकन बाय आरजे ऋषभ सर। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और सब्जेक्ट का कंटेंट बिल्कुल अलग है, मतलब इट रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल सेट ओनली। यस, इकोनॉमिक्स जो है ये 60 मार्क्स के लिए आता है, वेयर एज बीसीके जो है ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 40। You getting the point, right? तो 100 pages का एक register लगेगा। Possible है तो multicolor pen use करो। Multicolor pen मतलब एक blue, एक black, ये दो color के pen use करना। Logic क्या होता है इससे? बस एक छोटा सा difference, जो important word है, ये आपको पता होने चाहिए कि उसको highlight कैसे करना है। So logically जब आप पढ़ रहे हो तो 3 चीजें आपके पास होना चाहिए, दो multicolor pen और एक highlighter, काम खत्म, right? मेरे subject के लिए बता रहा हूं। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो 100 पेज का रजिस्टर है इसमें हम करेंगे क्या? इज इट अ राइटिंग पेपर और एमसीक्यू पेपर? एनीवन? एमसीक्यू। इकोनॉमिक्स एक एमसीक्यू पेपर है, बीसीके एक एमसीक्यू पेपर है, यानी 100% एक भी क्वेश्चन आपको राइटिंग में नहीं है। प्यार से आपको बिंदी लगानी है, पर बिंदी कहां लगानी है ये काम की चीज है, क्योंकि ये 0.25 नहीं 1.25 लेके जाएगा। 0.25 नहीं, कितने लेके जाएगा मालिक? 1.25 लेके जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलो अभी कुछ लेके आओ, रजिस्टर वगैरह कुछ लाया है जीवन में, पेज वेज कुछ तो आ जाओ, लिख लेते हैं आज थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, क्योंकि तुम आए होंगे तो थोड़ा एक्साइटमेंट में देख के आए होंगे क्या है क्या नहीं है। आर वी गोइंग टू लर्न इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स? हाँ, हमें क्या पढ़ना है बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग छे के? क्या इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों अलग है? भाई साहब बहुत अलग है सर, दोनों में डिफरेंस समझाओ। समझाएंगे। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, बीसीके जो है मालिक आपका ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 40 मार्क्स। वेर एज बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स के लिए आता है? 60 मार्क्स। लिखते जाना मेरे साथ, लिखते जाना मेरे साथ। सर ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है और बीसीके है, ये दोनों कैसे आने वाले हैं? एमसीक्यू। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स के लिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं? मालिक 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5। सबसे पहले
टॉपिक नंबर वन इंट्रोडक्शन। इसके अंदर में देर आर टू यूनिट्स। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा, बोलो बेटा कौन सा? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसके अंदर में आपके दो यूनिट है, मतलब एक ही चैप्टर में दो यूनिट है, छोटे छोटे आसान है। फिर आता है आपका टॉपिक नंबर टू, डिमांड एंड सप्लाई। फिर आता है मालिक आपका टॉपिक नंबर टू, डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर में आपके तीन यूनिट्स है, इसके अंदर में आपके तीन यूनिट्स है। एक आता है कंज्यूमर, दूसरा आता है डिमांड, तीसरा आता है सप्लाई। ऐसे तीन पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तीसरा है आपका टॉपिक नंबर थ्री, जिसमें आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसके अंदर में आपके दो यूनिट है। पहला यूनिट आपका डील करता है किससे? प्रोडक्शन से। दूसरा यूनिट आपका डील करता है किससे? कॉस्ट से। सो प्रैक्टिकली दो यूनिट है इसके अंदर में। टॉपिक नंबर फोर, प्राइस एंड मार्केट। प्राइस एंड मार्केट, अगेन इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा मालिक? दो यूनिट्स मिलने वाले हैं। एंड टॉपिक नंबर फाइव आपका बनता है बिजनेस साइकिल। एक यूनिट में खत्म हो जाता है। एक यूनिट में क्या हो जाता है? खत्म। सो पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई, तीसरा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, चौथा प्राइस एंड मार्केट, पांचवा बिजनेस साइकिल। एंड ये 40 मार्क्स के लिए करीब आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। सर काय म्हणता तुम्ही? 60 मार्क के लिए 5 टॉपिक पढ़ने हैं और इधर 40 मार्क के लिए 6 पढ़ने हैं। इजी है एक्चुअली। आपको जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो इकोनॉमिक्स में लगता है, बीसीके में नहीं। वो रिलेटिवली बहुत इजी है, नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है पर इजी है सारे के सारे। सर देखो मैं ना बहुत पढ़ंतु बच्चों, मेरे को पहले दिन ही बता दो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। टॉपिक नंबर टू, टॉपिक नंबर थ्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जितना मेजर टाइम लगता है टॉपिक नंबर टू एंड टॉपिक नंबर थ्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सर जब हम बचपन में सुने थे तो इकोनॉमिक्स तो दो प्रकार के होते थे, माइक्रो और मैक्रो। अब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स भी डाल रहे हो, इकोनॉमिक्स भी डाल रहे हो। हाँ देख बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। तो ऐसा नहीं है तुम्हारे को जो इकोनॉमिक्स दिया है या माइक्रो ही दिया है। इसके पहले चार टॉपिक जो है, दीज फोर टॉपिक डील्स विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर एज दिस लास्ट टॉपिक डील्स विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो पहले चार टॉपिक है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को शो करते हैं, जबकि ये जो एक टॉपिक है लास्ट, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को शो करता है। आर यू गेटिंग द थिंग? चलिए जी। अच्छा सर, सर तो ये समझ में आ गया कि भैया एमसीक्यू होगा, ये समझ में आ गया पांच टॉपिक पढ़ने हैं। सर मुझे एक बात बताइए, हमारा पैटर्न किस तरीके का रहेगा पढ़ने का, राइट? और अगर मुझे मान लो सर क्वेरी आ गई, क्या मैं आपके पास आ सकता हूं क्वेरी डिस्कस करने के लिए? भाई मेरी बात सुन, सबसे पहले लेक्चर खत्म होते ही तेरे मन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज कम, क्योंकि देख ये कोर्स इतना बड़ा है और इतने सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है कि हो सकता है ये कभी भी। दूसरी बात, सवाल आए क्लास में पूछ ले, उसके बाद भी तेको ऐसा लगे भाई सबके सामने नहीं पूछना है, कोई बात नहीं तू इधर आ जा, इधर आकर के डिस्कस कर ले। इसके अलावा भी तू रात में 1 बजे पढ़ रहा है, रात में 1 बजे तेरे को ऐसा मड़मड़ हो रहा है कि ना आताच पाहिजे, डाउट चा उत्तर आताच पाहिजे। तो आपके दिल में ऐसा करे कि रात में ही चाहिए डाउट, तो आप भाई साहब कर सकते हो व्हाट्सएप। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पे कॉल करना मत, मैं उठाता ही नहीं।
हाँ मतलब मेरी बीवी की भी कांस्टेंट कंप्लेन है, ठीक है, मैं उठाता ही नहीं। व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 8956651954। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, बुक के हर पेज पे नंबर लिखा है, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, जब भी डाउट आ रहा है। एंड प्लीज प्लीज 48 आवर्स मिनिमम में प्रोवाइड करना, मैं इसको रिप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑनलाइन ले रहे हैं, लाइव लेक्चर को सुन रहे हैं, सिर्फ एक काम करना, आपका डाउट आ रहा है भेज दो, पढ़ाई मत रोको, आगे बढ़ जाओ। यस क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डाउट आए और उसका जवाब उस लेक्चर में नहीं, आगे के दो लेक्चर में लिखा हो, लिंकिंग में। यस क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपकी लिंकिंग में आगे लिखा हो, तो प्लीज होल्ड, आपको ये जवाब जरूर आ जाएगा, मिनिमम बस 48 आवर्स होल्ड कर लो। सर बुक्स में हमें क्या क्या मिलेगी, सर बुक्स में हमें क्या क्या मिलेगी, सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बेटा मेन बुक। आपको हाल फिलहाल में एक मेन बुक मिलेगी जिसमें सारा कंटेंट लिखा है, एक छोटी सी बुक है इत्तू सी, बस उसके अंदर में आपका सारा कंटेंट लिखा है, जिसमें एमसीक्यू भी सारे के सारे कवर्ड है। इसके अलावा आपको एक और चीज मिलेगी, एमसीक्यू वर्क बुक। ये अभी आपको तुरंत नहीं मिलेगी, ये करीब आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर में मिलेगी मेन वर्कबुक। इसके अंदर में आपके उस टॉपिक के एक्स्ट्रा एमसीक्यू रहेंगे, मतलब क्लास में जितने हमने किए उतने रहेंगे, इसके अंदर में एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको वर्कबुक दिखा रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो हम क्लास में बनाएंगे वो है चार्ट्स। ये आपको बुक नहीं मिलेगी, ये वो चार्ट्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे जो हम क्लास में ही पढ़ते वक्त बनाएंगे। इन शॉर्ट ये जो मेन कंटेंट है, इस मेन कंटेंट से ही एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए ये चार्ट्स, जिसमें आपका पूरे चैप्टर का सीक्वेंशियल समरी रहेगा। मतलब बुक के नाम पे आपको फिजिकली दो ही बुक मिलेगी, एक होगा मेन बुक और दूसरा होगा आपका एमसीक्यू बुक। मेन बुक अभी आपको तुरंत चाहिए, आपको एमसीक्यू वर्कबुक अभी नहीं चाहिए। एमसीक्यू वर्कबुक आपको जो मिलेगी वो 1.5 मंथ्स बाद मिलेगी, जिसमें आपके एक्स्ट्रा एमसीक्यू रहेंगे अलोंग विथ आंसर्स। एंड तीसरा जो चार्ट्स रहेंगे ये हम खुद क्लास में बनाएंगे। यस तो ये आपके बुक्स का हो गया, आपका डाउट सॉल्विंग इसके अंदर में कवर हो गया, टॉपिक का कंटेंट इसके अंदर में कवर हो गया, ठीक है। सर सर मेरे को एक और बात बताइए, ये सिलेबस कितने दिन रहता है इकोनॉमिक्स का एंड बीसीके का? देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो चलेगा आपका ये अच्छा खासा टाइम चलेगा, बीसीके का टाइम जो होगा ये रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि कंटेंट उतना इजी बन जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि ये जितना आपका टाइम शेड्यूल है इसके पूरे के बीच में हमने इवनली ऑडली स्प्रेड किया हुआ है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आपका एक 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 कंप्लीट होगा। अच्छा जी सर, और कोई डाउट मालिक मन में, या सीधा कंटेंट के ऊपर आऊं, किसी को कोई डाउट पक्का? अच्छा जी चलिए आते हैं, सबसे पहला डिफरेंस समझते हैं भैया, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। गिव द हेडिंग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहली चीज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले कुछ दिन हमारा टारगेट ये कि हमने 11th 12th में जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा है ये सारे इकोनॉमिक्स को एक बार रिब्रश करेंगे, हम इसके बेसिक्स को वापस हैंडल करेंगे, एंड देन हम इकोनॉमिक्स में एंटर करेंगे। तो क्या ये अजम्पशन ठीक है मालिक? मैं इस अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं आता, ये अजम्पशन ठीक है मेरे लिए? हाँ या हाँ? ठीक है, तुमने कितने मार्क्स लाए होंगे 11th और 12th में उसको बाजू कर दो अभी। मैं इस अजम्पशन से पढ़ाना चालू कर रहा हूं वापस से कि तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं हूं एक एवरेज बच्चा, तो मेरे को खुद ऐसा लगता है कि भैया अपन ने जीरो से चालू किया हुआ कभी भी बेटर। सो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, भाई साहब इकोनॉमिक्स एनीबडी एनीवन क्या है इकोनॉमिक्स? अच्छा देखो है ना, ऐसा आंसर देते हुए डरना मत, पहली बात अभी आप स्कूल में हो नहीं और मैं पीटी टीचर हूं नहीं, है ना, यू नो वो पीटी टीचर जिसका साइंस वाली के साथ होता था या इंग्लिश वाली मैडम के साथ, अपन वो है नहीं। हाँ जी मालिक, यस बच्चा बच्चा बेटा बड़े हो गए हो। हाँ फाइनेंस ऑफ अ कंट्री इज डील्ट विथ इकोनॉमिक्स, ओके, सो इज ही टॉकिंग अबाउट माइक्रो और मैक्रो? मैक्रो, यस।
अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स तीन पार्ट में डिस्कस होता है. इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट प्रोडक्शन. इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो हम मेनली तीन तरीके की बातें करते हैं. जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम मेनली कितने प्रकार की बात करते हैं? तीन. वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन. कोई भी चीज का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, मतलब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं. मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी मेथड. फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद वी टॉक्स अबाउट कंजम्पशन, कि इसका कंजम्पशन किस तरीके से किया जाएगा. एंड कंजम्पशन के बाद वी टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, आप इसे अलग शब्दों में 12 तक के डिस्ट्रीब्यूशन भी सुना करते थे. लो, आप इसे क्या सुना करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन. पर क्या आपको पता है ये डेफिनेशन दी किसने? इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. ये डेफिनेशन दी किसने? इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे पप्पा है, ऊपर नहीं बोलते फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट. इकोनॉमिक्स में बहुत सारे है, क्योंकि कंट्री बहुत सारी है और हर एक कंट्री का अपना प्रोडक्शन पैटर्न है, अपना कंजम्पशन पैटर्न है, अपना ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है. अरे यस और नो? यस. अगर आप देखें रशिया काफी चीजों के लिए फेमस है. अरे मेरा बोलने का मतलब है, रशिया काफी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन उनका प्रोडक्शन अलग ही है, कंजम्पशन तो और ही अलग है. दे डील विथ कैपिटल गुड्स. दे डील विथ व्हाट? कैपिटल. दे डोंट डील विथ कंज्यूमर गुड्स, दे डील विथ कैपिटल गुड्स. जबकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, दे डील विथ कंज्यूमर गुड्स, दे मेनली डील विथ कंज्यूमर. तो कंट्री बहुत सारी है, इसके कारण बहुत सारे फादर बने जिसने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को देखा. लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर में, वो थे बाबा एडम स्मिथ. आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे, अल्फ्रेड मार्शल सुना होगा, यस ड्रेक सुना होगा, आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे. लेकिन इसमें से एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो व्यक्ति थे बाबा एडम स्मिथ. कौन थे बोलो? एडम स्मिथ. अब पूछो ये एडम स्मिथ इतने फेमस क्यों? पूछो ना क्यों. हाँ, ये हुई ना सही बात. हाँ, तो बाबा एडम स्मिथ इसलिए फेमस हुए सर, बिकॉज हर कंट्री ने जब अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करी, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करी. एंड इट वॉज द एडम स्मिथ सर जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की बात करी. मतलब इसके पहले इकोनॉमिक्स में जितने लोगों ने जो कुछ डिस्कस किया, ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट एडम स्मिथ जिन्होंने देश के प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात करी. इसलिए वर्ड में देखो एंड में क्या लिखा है, नेशन. एंड दैट्स वाई जब कोई बड़ी बात कर रहा है तो इनको एक बड़ा सम्मान दिया गया, यू नो, और इनको पदवी दी गई फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तक की. समझ में आ रही बात? तो क्या अलग किया इन्होंने? इन्होंने सेम ही चीज को बस अलग तरीके से कर दिया. इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करी. हेलो, इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करी, इन्होंने बोला प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. नेशन की बात करी, और इसीलिए इनको ज्यादा आदर और सम्मान मिला. सो इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन, वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, वी टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो नेशन में, इसी के लिए देखिए, जब आप 11th और 12th में थे, आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, आपने टोटल इनकम पढ़ा, राइट, अलग अलग प्रोडक्शन की टेक्निक्स पढ़ी, अलग अलग कॉस्ट की टेक्निक्स पढ़ी, याद आ रहा है आपने 11th 12th का इकोनॉमिक्स, तो वहां पे आपने ये सब पढ़ा, बिकॉज इट वॉज वेल्थ ऑफ नेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट. यस, तो पहला प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, कंजम्पशन किस तरीके से होगा, एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. पर हम अगर देखें फाउंडेशन में आपको क्या सिखाया जा रहा है, फाउंडेशन के अंदर में आपको, जल्दी से बताओ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे वो क्या पढ़ा रहे? बिजनेस इकोनॉमिक्स. पूछो ना क्यों? अगेन, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं मालिक. आप क्या बनने जा रहे हैं? प्रोफेशनल. और जब आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आपको देश दुनिया से लेन देन नहीं, अपने क्लाइंट से लेन देन है.
तो आप आ गए वापस से फिर से, आपका क्लाइंट एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। आपका जो क्लाइंट होगा वो कौन होगा? एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आपको देश का नेशनल इनकम, देश का प्रोडक्शन, देश का कंजम्पशन, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा एज ऑफ नाउ। इनिशियली आपको उस बिजनेस, उस क्लाइंट से लेन देन है। हेंस यू लर्न बिजनेस का इकोनॉमिक्स रादर देन नेशन का इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट लर्निंग इकोनॉमिक्स, यू आर लर्निंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। कलल का वापस से एक बार, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? इकोनॉमिक्स में वी टॉकिंग अबाउट नेशंस प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, पर हम यहां बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे? बोलो मालिक क्यों पढ़ रहे? बिकॉज एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, हम लोगों को देश के कंजम्पशन के बारे में नहीं सोचना है, हमको हमारे क्लाइंट के बारे में सोचना है। एंड आर क्लाइंट विल बी अ ऑर्गेनाइजेशन, आर क्लाइंट विल बी अ कंपनी, आर क्लाइंट विल बी अ हाउस, बिजनेस हाउस, और हमें उसके बारे में सोचना है। एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग, बोलो जल्दी से, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मतलब टेक्निकली वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स ओनली, बट विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ बिजनेस। अच्छा अब आप मुझे बात बताओ, अगर हम पूरे देश दुनिया की बातें नहीं कर रहे भाई और बहनों, अगर हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो यू टेल मी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो पढ़ेंगे या मैक्रो पढ़ेंगे? आ बेटा फिर से डॉट कनेक्ट कर, दैट्स व्हाई योर सिलेबस इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। तो ऐसा नहीं हम मैक्रो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें मैक्रो तो समझना होगा, बट योर सिलेबस इज मोरली बेस्ड ऑन माइक्रो, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशन। हेलो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशन। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस, हमारा क्लाइंट, उसको बचाना है। समझ आ रही बात? इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ, बोल बेटा, माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। इट्स मोर एंड मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। चलो जल्दी से, आज तुम्हारे घर पे किसी ने पूछा, बता बेटा इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? चल रिवीजन नंबर 3, बता क्या फर्क है? इन इकोनॉमिक्स वी आर लर्निंग अबाउट प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ऑफ होम, नेशन की बात कर रहे हैं हम, यस, लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक बिजनेस। सो हम इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट उठाते, बस बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज कर लेते। एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा रोल एक क्लाइंट के एस्पेक्ट पे आता है, ना कि नेशन के एस्पेक्ट पे। यस, देर आर इकोनॉमिस्ट, आपको पता है एक सेपरेट डिग्री इकोनॉमिस्ट, वो देश के नेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के पास थी। Yes, वो देश के बारे में सोचे, जो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, ये मोस्टली वो लोग रहते हैं जो इकोनॉमिस्ट है, राइट? तो वो पूरे देश के कंजम्पशन पैटर्न, टोटल इनकम, टोटल वेल्थ, इन बारे में बात करते हैं। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट। यस, इसीलिए आपका सिलेबस मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो बना। समझ में ही बात? सो हियर एंड आफ्टर वी विल लर्न बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नॉट इकोनॉमिक्स एज सच। ओके सर, सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये इकोनॉमिक्स वर्ड आखिर आया कहां से? आपको तो पता है सर, मैं बहुत एवरेज बच्चा हूं, मैं बहुत भूखा हूं ज्ञान का, पहले मेरे को ये बताइए इकोनॉमिक वर्ड लाया किसने? भाई किसी का नाम करण हुआ होगा तो उसका नाम करण तो किसी ने किया होगा ना? अगर किसी का नाम करण पड़ा तो उसका नाम करण तो किसी ने किया ही होगा ना? आखिर कहां से आया भैया? देखो, किसी को आइडिया, कोई बेसिक आइडिया? हाँ, यस, परफेक्ट जवाब। इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक के लोगों के दो ही काम थे, दूसरा था वर्ड बनाना। ग्रीक के लोगों के कितने काम थे? दो। दूसरा क्या था बेटा? वर्ड बनाना। पहला, ऐसे लोग बनाओ जो वर्ड बनाए।
सो इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड, यस मान लीजिए इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड, ऑइकोनॉमस, क्या बोला, ऑइको एंड नॉमस, ऑइको मीन्स लॉ ऑफ हाउस होल्ड, ऑइकोनॉमस का मतलब क्या होता है, द लॉ ऑफ हाउस होल्ड। पहले इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक टेरिटरी, सिर्फ एक कंट्री या एक राज्य के लिए यूज किया जाता था, बहुत ओरिजिन टाइम की अगर बात करें। इकोनॉमिक्स का अगर भारत से हम संबंध जोड़े तो मेरे हिसाब से एडम स्मिथ से तो कई साल पहले, हमारा देश कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, चाणक्य साहब का नाम सुना है, इन्होंने अपनी बुक बहुत पहले ही अर्थशास्त्र, किस नाम से बोलो जल्दी से, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे फंडे दिए थे। लेकिन चाणक्य साहब ने अगेन किस बारे में बात करी, सिर्फ एक राज्य एक किंगडम, एक राज्य और एक किंगडम। उस टाइम तक के ये कहीं स्क्रिप्टेड या अदर चीजों में नहीं था। फिर अंग्रेज हमारा स्टडी पैटर्न चेंज कर गए और उन्होंने अपना नाम लगा दिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में चाणक्य जी थे जो बाबा एडम स्मिथ से बहुत सालों पहले ही इकोनॉमिक्स से बहुत सारे फंडे देके जा चुके हैं। बट क्योंकि हमारा जो सिलेबस और एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया वो अंग्रेजों की तरफ से डिजाइन हुआ तो उनने अपने नाम छाप दिए, बट हमें तो पता है ना हम कहां से आए हैं। सो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है, इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड से बना है, ऑइकोनॉमस means the law of household। वहां पे छोटे household को किस तरीके से manage करना है इस बारे में बताया गया था, यानी how to manage a house। जब हम यहां पे हाउस की बात कर रहे हैं, हम यहां पे एक किंगडम, एक राज्य, एक घर छोटे स्केल की बात कर रहे हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। यस, सो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है, इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है, ऑइकोनॉमस विच मींस द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड, विच मींस द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड। और इसे एक कैसे मैनेज करना है इसके लिए बनाया गया था। तो भैया पहला समझा इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है, मालिक दूसरी चीज समझी इकोनॉमिक्स का आखिर एग्जैक्ट ओरिजिन कहां से हुआ है। हालांकि अगर हम देखें इन इंडिया हम इसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, और ये किसने लिखी थी, चाणक्य। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो हम इसे अर्थशास्त्र या चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार रेलवे स्टेशन से अदर गए होंगे तो आपने बुक पढ़ी होगी चाणक्य नीति, सो दैट वाज अबाउट अ किंगडम। अब आप ये पूछेंगे व्हाई वी लर्न इकोनॉमिक्स, पूछो ना भाई। देख कुछ भी चीज अगर करना है तो उसके पीछे बेस तो पता होना चाहिए, कर क्यों रहे, ऐसो नो भाई कर क्यों रहे हैं? नहीं सर देखो सिलेबस में दिया है इसलिए हमने पढ़ना, फालतू की पंचायती हमने की नहीं, ये सुनो हमने फालतू की पंचायती नहीं की, हमें इतना पता था ये करना है हमने कर दिया नहीं। देख बेटा मेरा फंडा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। तो पढ़ना है तो भाई अच्छे से पढ़ो ना, आखिर पढ़ना क्यों है एनीवन? अच्छा मेरे को एक बात बता, 11th में कभी तुमने पूछा नहीं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा 12th में तो पूछा होगा सर, पता था फाउंडेशन में आप बताओगे। मालिक व्हाई वी लर्न इकोनॉमिक्स, सी इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग अ हाउस होल्ड। अब ये मैनेज क्यों करना है हाउस होल्ड को, पूछो ना मैनेज क्यों करना है हाउस होल्ड को। भाई साहब मैनेज इसलिए करना है बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, आदमी की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती और एक से इच्छा पूरी नहीं होती। मतलब मेरे बोलने का मतलब है एक चीज से सिर्फ इच्छा पूरी नहीं होती, उसको चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए। यस यस उसको चाहिए इंडियन पर उसको रशियन, आई मीन जर्मन गाड़ियां भी चाहिए।
जर्मन गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, हाँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। तो उसको चाहिए रहना इंडिया में है, घर इंडियन चाहिए पर गाड़ी उसको जर्मन चाहिए, बराबर है कि नहीं? चलिए इसे शायरी से समझाना चाहूंगा। आप सुनो, तुम लेक्चर में आ ही गए हो तो जरा ध्यान से पहले शायरी के कुछ रूल समझ लो, क्योंकि ये लेक्चर में आती रहेगी, ठीक है? शायरी का एक रूल है, जब हम शायरी बोलते हैं तो पहले स्टंजा के बाद होता है, नहीं शायरी चालू होने से पहले होती है इरशाद। क्या होता है? हाँ, ये लेक्चर के बीच का कंटेंट है, ये आएगा, ठीक है? तुम्हारा कंटेंट गया एक तरफ, ये भी आएगा बीच में। हाँ, पहले इरशाद होता है, फर्स्ट स्टंजा के बाद होता है वाह वाह। क्या होता है? वाह वाह। और एंड तक के, अगर मतलब ये इधर से डायरेक्ट इधर तक चले गई तो बहुत खूब। क्या आता है? तो ध्यान से सुनना कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। इरशाद तो किया ही नहीं, यही फेल हो गए। इज्जत कहने बाबा माजा लग्न करा। इरशाद तो बोलने लाला, चलो जीरो से चालू करो वापस। हाँ, कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका, माशूका मतलब प्यार, फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने, आप जब भी बचपन से थे आपके शौक जुदा जुदा होते गए, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने। पहले क्या चाहिए था? खिलौने। सोच के देखो, जब आप बचपन में थे आपको क्या चाहिए था? खिलौने। लड़के भी बारबी डॉल मांग रहे थे, पता ही नहीं था करना क्या है। लड़कों को भी बारबी चाहिए थी, अरे करना क्या है वो पता नहीं था, बराबर? पहले खिलौने, फिर आज आपका जो, आज आपकी जो एज है उसमें चाहिए आपको माशूका, है ना? ये कोई हो जिसका गम हम बांट सके। पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा। अभी हम, मैं जिस एज में हूं, मेरे को क्या चाहिए? प्यार, पढ़ ले बेटा, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। मेरे को क्या चाहिए? रुतबा है, ठीक है भाई, जो चाहिए था, लव मैरिज करनी थी कर ली, ओबीसी यही है। हाँ, वो चाल थी, बाद में समझाऊंगा। अरे अपने को हमेशा से बताता अपन पैसे कमाएंगे, संभालने वाली तो सीए चाहिए ना, जिसको इकोनॉमिक्स आता हो। पता चला मैं कॉमर्स वाला, वो आई साइंस वाली, वो बायो समझ रही है। मैं इको समझ रहा हूं, मैच नहीं करता था। वो सोची समझी चाल के तहत लेके आए अपन उसको, बराबर, ठीक है? वो मैच नहीं करता था, क्या मतलब आता था? तो फिर अपन ने बोला नहीं भाई, आर्ट्स वाली आती थी, मेरा शरीर ड्रॉ नहीं कर पाती थी। चलो, सो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। पहले चाहिए थे माशूका, अब मेरे को, मेरे केस में चाहिए मेरे को इज्जत। भाई ठीक है, अपन ने जो करना था कर लिया, अब चाहिए इज्जत, पीपल शुड रिकॉग्नाइज सर। और फिर क्या आता है? एक हमारे दादाजी वाली उम्र आती है, सब मोह माया, बेटा भगवान का नाम जप ले, खुदा खुदा। सो अब वापस से समझो, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा, और एंड में क्या चाहिए? खुदा खुदा। पर आपने एक चीज देखी, उसने एंड तक के छोड़ा नहीं अपनी वॉन्ट्स को, उसको शुरुआत से चाहिए ही था। अरे कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही था। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, उसको चाहिए कुछ ना कुछ, अलग 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 चीजें चाहिए ही। बट हर चीज मिल पाती है क्या लाइफ में? हर चीज नहीं मिलती ना लाइफ में बनी। बट रिसोर्सेस आर, बोल बेटा, स्केर्ड। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, उसको चाहिए ही। Is this done? चलो, human wants are unlimited, resources are scared, resources limited है, and that's why we learn in economics how
टू यूज दीज स्केर्ड रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई बोलो ऑल वॉन्ट्स। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं भैया, लिमिटेड चीजों में भी हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, कम में बम। हम लिमिटेड रिसोर्सेस में भी मैक्सिमम आउटपुट कैसे बाहर कर सकते हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेस में भी बोलो जल्दी से मैक्सिमम आउटपुट कैसे बाहर कर सकते हैं। और यही चीज हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं कि भैया देख हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेट से वी हैव 100 रुपीज, नाउ दिस 100 रुपीज हैज टू बी यूज इन सच अ वे दैट नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड। क्या तेरी हर जरूरत पूरी हो जाएगी क्या? नहीं, जो तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों होती, तेरी हर जरूरत पूरी नहीं हो सकती। तेरे पास है 100 रुपीज, अब इस 100 रुपीज में तेरे को तेरी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करनी है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, बट हां मैक्सिमम वांट जो तेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे ये तो तू सेटिस्फाई कर सकता है। यस, अब सपोज कर अगर 100 रुपए है, तुझे कुछ खाना भी है, तुझे कुछ पीना भी है, तुझे सेव भी करना है, एंड देन तुझे तेरा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो डोंट यू थिंक तुझे इस तरह से मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बॉस कोई अगर ऐसा पैकेज मिल रहा है जहां खाना पीने का कोई कंबाइन सस्ते में मिल जाए, तो तेरे एंटरटेनमेंट कहीं कुछ ऑफर कोड लगा के कम हो जाए तो, और तेरी सेविंग मैक्सिमम हो जाए तो तेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाहर आ जाएगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स करता क्या है, ये आपको तरीके सिखाता है, ये आपको अलग अलग मेथड्स बताता है जिससे आप अपनी बेसिक नीड के साथ साथ अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सको। अच्छा जी सर, स्केर्ड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई ऑल वॉन्ट्स, अच्छा जी सर आपने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपने क्या कहा बोलो जल्दी से, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं सर, हम किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं सर, चलो आ जाओ जीरो से चालू करते हैं। आप और मैं मिले, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होते रहेगा, मैंने अपना दे दिया आपसे होता रहेगा, हम लोगों ने समझा बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है बोल बेटा 60, जबकि बीसी के कितने मार्क्स का है 40, कितने टॉपिक पढ़ने हैं 5, ठीक है, फिर आपको व्हाट्सएप एंड बुक्स मिली। सबसे पहले मैंने आपको समझाया बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है, बताओ जल्दी से, इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन, लेकिन हमें नेशन से हमारा सर्विस कहां जाएगा एज अ सीए किसी बिजनेस की तरफ, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, सो वी यू विल यूज इकोनॉमिक्स ओनली बट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग्स, यस, हेंस आवर सब्जेक्ट इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो, यस। फिर हम ढूंढने निकले भैया ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया है तो आया कहां से है, यस, हमें पता चला भैया ग्रीक ओरिजिन से आया है ओइकोनॉमस, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ हाउस होल्ड, इसका मतलब क्या होता है बोले जल्दी से, लॉ ऑफ हाउस होल्ड। फिर हम आगे बढ़े, हमने समझा आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही क्यों है, क्या लॉजिक है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो हमें पता चला देख भाई एज ए ह्यूमन हमारी जो वॉन्ट्स है ना ये अनलिमिटेड है, कुछ ना कुछ चाहिए ही, पर हमारे जो रिसोर्सेज है ये कैसे बेटा स्केर्ड, सो स्केर्ड रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना ताकि ह्यूमन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यस और नो, ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो हमें कॉमन हाउसहोल्ड में भी समझ आता है, यस। अगर आप देखेंगे मम्मी के पास जितने पैसे पप्पा लाके देते हैं शी मैनेजेस एवरीथिंग विद इन दैट मनी ओनली, और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सेव करके आटे के डब्बे में चले ही जाते हैं, चावल के डब्बे में चले ही जाते हैं, फिर तुम जाते हो मम्मी आई तुझा आशीर्वाद, पप्पा जो देते हैं वो तो देते हैं, मम्मी से अपन अलग लेके आते, मतलब मम्मी ने भी बिना इकोनॉमिक्स को पढ़े हुए अप्लाई तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से किया, अरे एवरीबडी, सो हमें पता चला हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मन में फिर एक सवाल उठा, आपको तो पता है अपन एवरेज बच्चे, अपन एक एक वर्ड खोद देंगे, रिसोर्सेज मतलब क्या कम है हमारे पास, भगवान का दिया सर सब कुछ है, दौलत है शौहरत है इज्जत है, ऐसा कोई ऐसे कोई चीज नहीं जिस पर हाथ रखो और ना मिले, तो एग्जैक्टली कौन से रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास, एनीवन, हाँ मनी, यस वन सच रिसोर्स इज मनी, मनी लिमिटेड है सर हमारे पास, इज ही करेक्ट, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, ओनली माइक्रो नॉट मैक्रो, क्या हमारे पास लिमिटेड, डोंट थिंक अबाउट अ मनी,
अनंत अंबानी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचो। डू यू हैव लिमिटेड मनी, यस और यस? यस यू हैव लिमिटेड मनी। ऐसा है क्या आपके डिस्पोजल पे बहुत पड़े, जो चाहे तब ले लो? कोई भी लड़का कल चल के रॉयल एनफील्ड उठाने की कितनी भी इच्छा हो, उठा पाएगा क्या? नहीं। मनी इज रिसोर्सेज, लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट रिसोर्स क्या चीज? वाटर। वाटर को मैं नेचुरल रिसोर्स कह दूं? ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है सर, ह्यूमन रिसोर्सेस भी लिमिटेड। और हाँ जी, नॉन रिडीमेबल, ओके। और देख मेरे भाई, रिसोर्सेस को याद करना तेरे लिए बहुत चुटकियों का काम है। बताऊं कैसे? चाय पिलाओगे? चाय पिलाओगे? हाँ, देख अपने को ना, चाय वाले अपन वो कॉफी वाले नहीं है, चाय। पांच रिसोर्सेज है, इसको 5M के नाम से जानते हो आप? 5M, हाँ, कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है। पहला क्या था? मेन। डोंट राइट MEN, राइट MEN। क्या फर्क पड़ जाएगा? इंग्लिश, इंग्लिश में फर्क है सर। कैसे? एक आदमी मेन होता है, एक से ज्यादा आदमी मेन होते हैं। सो पहला रिसोर्स मेन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा मनी, तीसरा मशीन, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, यस, मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जैसे वाटर, रॉ मटेरियल्स, एंड पांचवा बोलो, मेथड्स। मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, ये पांच रिसोर्सेज है जो कम है। सो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं कौन से रिसोर्सेस कम है, हम यहां पे बात कर रहे हैं हमारे पास ये पांच रिसोर्सेस कम है। यस, हमारे पास क्या कम है बेटा? ये पांच रिसोर्सेस कम है। अच्छा जी सर, आपने कहा हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ऐसी कौन सी जरूरतें हमारी जो हो ही नहीं रही पूरी? हाँ सर, कौन सी वॉन्ट्स है जो पूरी नहीं हो रही? एनीवन, अब आए हो तो ये भी डिस्कस कर लो कि हमारी कौन सी जरूरतें, जरूरतें किस प्रकार की है हमारी। रोल्स रॉयस, भाई को रोल्स रॉयस चाहिए, नहीं मिल रही, और कोई बोलो बोलो। अच्छा, ये जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक के लोग बैठे हैं, तुम लोग सही में इतने शांत रहोगे क्या? क्या आज पहला दिन है इसलिए चुप है सब? ऐसे कैसा पहला दिन है ना, पहली पहली बार देख रहे हैं, अदरवाइज हमारा बैच आपको दिखाए भाई। हाँ, क्या चीज की कमी है? वॉन्ट्स मतलब कौन सी? हाँ बिल्कुल सही, हमारी बेसिक नेसेसिटीज। देख मेरे भाई, वॉन्ट्स को हम लॉजिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वॉन्ट्स हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। पहली होती है नेसेसरीज। पहली क्या होती है बेटा? नेसेसरीज, रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट। अरे हाँ, देख रोटी, कपड़ा, मकान हो गए पुराने कंसेप्ट। अगर देखा जाए तो हमें आज पांच लोगों की ज्यादा जरूरत है, पांच चीजों की, रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट और एक दोस्त जो लिंक सेंड करे। अरे मतलब वो नहीं, वो रामायण महाभारत के वीडियो वो नहीं, वो अपने दोस्त जो फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर में इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के अंदर एक और फोल्डर, इंपॉर्टेंट नोट्स, हाँ, तो स्टडी मटेरियल्स, डोंट ओपन वेस्ट। तो हमारे को चाहिए मालिक एक दोस्त, हमारे को चाहिए एक दोस्त। लॉजिकली अगर मैं नेसेसरीज की बात करूं तो नेसेसरीज मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये मेन तीन नेसेसरीज है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। नेसेसरीज के बाद दूसरा आता है कंफर्ट्स। दूसरा क्या आता है? बिल्कुल हो सकता है, आज की तारीख में बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं नेसेसिटीज बेटा व्यक्ति तो व्यक्ति बदल सकती है। जैसे अगर देखा जाए, रिच किड्स के लिए सिक्योरिटी एक नेसेसिटी है,
अपने को कौन देख रहा, देखते नहीं, टच कहाँ करेंगे अपने को, समझ। तो व्यक्ति टू व्यक्ति नेसेसरीज भी बदलेगी। अरे हेलो, व्यक्ति टू व्यक्ति नेसेसरीज भी बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, नहीं फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी ये मेरा भाई, भाई नाम क्या है तेरा? सुयश। अभी सुयश तम्बाकू खाता रहेगा, बराबर है? अभी क्या बोलेगा अपने दोस्त को? हे अर्जुना, तम्बाकू लाओ, सुना? अभी इसकी नेसेसिटी बदली कि नहीं? ये हो सकता है ये खाए, बाजू वाला बोले भाई मैं तम्बाकू नहीं, विमल बोले जुबा के सर, मतलब नेसेसिटी पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकती है कि नहीं? तो ये हो सकता है। हम जनरल नेसेसिटी की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, हम जनरल नेसेसिटी की बात करें। दूसरा आ रहा है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स आपके नेसेसिटीज में नहीं आता, यस, पर हां ये जरूरत जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा भाई, नाम क्या भाई तेरा? ऋषि। ऋषि गया, राइट, ऋषि होम सेंटर गया। कहां गया? होम सेंटर। इसको अपने घर के लिए गद्दी लेनी थी, ऋषि गया। आप बताओ क्या ऋषि कर क्या रहा है? गद्दी ले रहा है, वो गद्दी टेस्ट कर रहा है, वो गद्दी को क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है। ऋषि अपना सही काम कर रहा है, वो गया, वो उसने बेचारे ने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऋषि गद्दी के बिना सो नहीं सकता? अरे जल्दी बोलो, क्या गद्दी के बिना सो नहीं सकता? कंफर्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जो उधर ऐसा माऊ माऊ, उधर ऐसा कंफर्ट आना चाहिए, मतलब रात में अच्छे से सोए, बॉडी स्लीप, ऐसा सुबह उठे तो ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए ना उसको, नहीं तो पेट दर्द कर रही। कंफर्ट्स क्या ये जीने के लिए जरूरी है? नहीं, लेकिन लाइफ कंफर्टेबल्स बना रहे हैं, यस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? सो पहले वांट्स होती है नेसेसिटीज, दूसरा होता है कंफर्ट्स, और तीसरा होता है एनीवन लग्जरीज। कुछ याद आ रहा है? ये सब आपने 12th में पढ़ा है। लग्जरी, लग्जरीज है लड़कों को तो नहीं, वैसे लड़कियां, राइट, ऐसे टॉप खरीदना है। लड़कियां कहां जाएंगी? एफसी रोड, पुणे के एफसी रोड, 100 रुपए में जारा का टी शर्ट। भाया जारा का टी शर्ट दिखाओ ना भाया। बट मेरे को एक सही में बात बताऊं, लड़कियां सही में ऐसे बात करती है क्या? ऐसा नहीं करती क्या? तो फिर ये जो दिखाया जाता भाया वाली, ये कौन होती है? अच्छा वो मुंबई वाली होती है क्या? मुंबई दिल्ली वाली, हाँ साउथ मुंबई, ऐसे साउथ पुणे वाली ऐसी नहीं होती क्या? साउथ पुणे वाले ऐसे बोलते हैं, काना खाली आवाज कर चल, ऐसी रहती क्या? बट हाँ, हम अगर नेक्स्ट बात करते तो किसकी बात करते मालिक? लग्जरी, लग्जरी चाहिए, यस। मतलब क्या? आपको रोल्स रॉयस चाहिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ लग्जरी। जरूरी है क्या? नहीं, भगवान ने अपने 11 नंबर की भी गाड़ी दी है, पैर भगवान सी, रोल्स रॉयस नहीं चलना, ये क्या हो गया? लग्जरी, यस। यू मस्ट हैव अ स्कूटर और अ व्हीकल, ये क्या होगा? कंफर्ट्स। यू मस्ट हैव लेग्स, नेसेसिटीज। समझ में आ रही बात? सो ये हुई हमारी वॉन्ट्स। अब इसमें और भी कैटेगरी है जो हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि वॉन्ट्स में भी कई प्रकार होते हैं, मतलब वॉन्ट्स, नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, ये बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, आज हम सिर्फ हमारे बेसिक ब्रशअप्स कर रहे हैं, और शायद कल भी हम सिर्फ हमारे बेसिक सी ब्रशअप्स करें कि इस टॉपिक को हम 0 से उठा रहे, 11th से वापस उठा रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, रिकॉल कर रहे। चलो वापस से, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे? बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर, बोलो ना बेटा, अनलिमिटेड, but these are has to be managed with scarce resources. Resources मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? Men, money, machine, material, methods. हम 5M की बात कर रहे हैं, ये 5M हमारे पास limited है। अच्छा, हम देश हैं या एक organization है? यहां तक के क्लियर है मालिक? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? हम बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशंस इकोनॉमिक्स, ठीक है? मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, सब आ गए इसमें। लेकिन हमारी वॉन्ट्स, हमारी वॉन्ट्स कितने प्रकार के? 3। और ये पर्सन टू पर्सन क्या डिफर कर सकती है? यस, yes. हो सकता है किसी के लिए चूना एक वॉन्ट हो, दूसरे के लिए बोल रहा भाई विमल मेरे लिए वॉन्ट ही नहीं है वो,
तो ये पर्सन टू पर्सन हमारी वॉन्ट्स डिफर कर सकती है, बट मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड होती है। बोलो बेटा कौन कौन सी? नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। इज दैट डन मालिक? दैट्स इट, आज के लिए काफी है। चलो जी, मजा आया मालिक बहुत। मैं आपको एक ही वादा कर रहा हूं, दिन का आपका सबसे फेवरेट लेक्चर यही रहेगा। यस yes? और हाँ प्लीज, कोई ऐसा किसी पे जोक बन जाए तो सब बुरा नहीं मानो, हाँ सर ने ऐसा बोल दिया, ठीक है, टेक इट स्पोर्टिवली। क्योंकि क्या है, देख भाई सिलेबस इतना बड़ा है, मस्ती से नहीं पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। डन, सी यू टुमारो, बाय बच्चों। डन, तो मैं कल आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको भी आप बुला सकते हैं, हाल फिलहाल में सभी लोगों के साथ। एंड मैंने आपको जो कहा रजिस्टर और पेन वगैरह, आज अपना थोड़ा सा शॉपिंग करके आ जाओ, स्टार्ट करेंगे कल से। बाय बाय, टेक केयर। किसी को भी डाउट होगा प्लीज कम। ऑनलाइन में कुछ है? So, can we say that economics is a planning of resource? Yes, you can say that economics is a planning of resource.